और अब ये देख लो बिल्कुल कलर भी बीजेपी का है। नहीं नहीं भर्ती के सिस्टम में चले सिस्टम में चले ये सिस्टम ज्यादा लोगों का नहीं है ज्यादा आदमी को पास नहीं जी एक बोतल पे ये 70 रुपए लगा रही है ये 65 तो इस पे लिखा था दे रहा हूं 70 और ये तो 65 रुपए तो इस पे सेल का लिख रखा इसके ऊपर भी ओवर रेट डिस्टिलरी में 7 साल पहले तो डिस्टिलरी में ये थोड़ी पैक हो रही है यही पैक हो रही है सर जी अरे कितने की देते हो तुम बोतल ये सर जी 50 की रेट जो हम तो चलाओ गांव में सुन गांव गांव में आते आते पहले भी कोई चला है ये और लेविंग ये थाना मंडी क्षेत्र में जो कोकड़ा गांव है उसके जंगलों में नए मकान बने हुए हैं और उससे सटे हुए वहां पर एक दुमंजिला मकान है जो कि नया कंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर शराब बनाने की पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसके अंदर बॉटल्स पकड़ी गई हैं जो शराब बनाने का जो मटेरियल है वो पकड़ा गया है। इसके अलावा जो सीलिंग मशीन है वो पकड़ी गई है। बार कोड पकड़े गए हैं और जो उसका प्रिंटेड मटेरियल है जो तोहफा ब्रांड का जो उसका कवर है वो पकड़ा गया है। इस तरह पूरा का पूरा पकड़ा गया। इनके द्वारा ये बताया गया है कि 30 से 35 पेटियाँ ये डेली सप्लाई किया करते थे और विभिन्न विभिन्न लोगों को ये ऑन डिमांड सप्लाई किया करते थे। फ़ोन से इनका पूरा का पूरा व्यापार चल रहा था। एक i10 गाड़ी है जिसके अंदर ये सप्लाई करने जा रहे थे। आज का जो बना हुआ माल था वो पकड़ी गई है और दो लोग अभी फिलहाल इसमें पकड़े गए हैं लेकिन एक लंबा रैकेट है और बहुत जल्दी इसे क्रैक किया जाएगा। सर लगभग कितने महीनों से कार्य चल रहा है? देखिए इनके द्वारा तो बताया गया कि 1.5-2 महीने से लेकिन मुझे लगता है कि लंबे समय से ये काम कर रहे हैं और पहले भी डिस्टिलरी में मंसूरपुर वाली डिस्टिलरी है उसमें ये काम कर चुके हैं और ये वहीं से ये सारी चीज़ें सीखी हैं और यहाँ पर आकर बनाकर जो जहरीली शराब है जो अवैध शराब है उसको बनाने का काम कर रहे हैं। सर पूछताछ में बताओ किस तरह बनाते थे और सप्लाई किस तरह क्षेत्र में करते? देखिए इन्होंने अभी बना के भी दिखाया बॉटल को पूरा भर के बना के दिखाया और उसे सील किया है उसका बारकोड उस पर लगाया हमारे सामने और ये पूरी पेटी करीब करीब 1 लाख बॉटल्स का यहाँ पर मटेरियल इनके पास है जो जिससे 1 लाख बोटल्स बना सकते हैं। लंबा रैकेट है और बहुत जल्दी इसे क्रैक किया जाएगा। सर गाड़ी भी पकड़ी है तो बीजेपी वगैरह लिखा है? हाँ जो अभी आपके सामने जो i10 गाड़ी है इनमें से एक अभियुक्त की है और इसके ऊपर पीछे इन्होंने अपने बचने के लिए बीजेपी का कलर से बीजेपी लिख रखा है। आगे इन्होंने अगली प्लेट हाफ इनकी टूटी हुई है ताकि अगर ये भागें तो कोई पहचान ना पाए। बाकी अभी और डिटेल पूछताछ होगी तो इसमें लंबा रैकेट निकलेगा। सर गिरफ्तार करने वाली टीम को कोई नहीं? हाँ मैंने जो गिरफ्तार करने वाली टीम है उसे 5,000 रुपये का इनाम दिया है।